आईएएस बनने के लिए कौन सी पांच आदतें ज़रूरी है। और दोस्तों आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने पांच आदतें अपने जीवन में अप्लाई की तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 80% संभावना बढ़ जाएगी आपके आईएएस बनने की। दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वादा करता हूँ ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको और कहीं भी नहीं मिलती। चलिए शुरू करते हैं दूसरे पॉइंट से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहला पॉइंट पहले क्यों नहीं लिया। दोस्तों पहला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा वैल्यू वाला पॉइंट है और वो पॉइंट मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट है सुबह सुबह अखबार पढ़ने की आदत। जी दोस्तों, अगर आपकी आदत है कि आप सुबह सुबह उठकर अखबार पढ़ते हो या फिर अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो इस आदत को अपना लीजिए, क्योंकि दोस्तों अखबार में जो है करंट अफेयर और आपका नॉलेज जो है ना दोस्तों वो 100 गुना बढ़ जाता है। और दोस्तों आईएएस में चाहिए क्या आपका करंट अफेयर, आपका नॉलेज? दोस्तों अगर आपके अंदर ये आदत है तो बधाई हो, आपके अंदर पहला गुण आईएएस बनेगा। और अगर आप में आदत नहीं है तो जल्दी से जल्दी इसे डेवलप कीजिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, हर दिन और लगातार पढ़ने की आदत। जान दोस्तों एक आईएएस जो होता है वो हर दिन पढ़ता है, चाहे कुछ भी पढ़ो और लगातार पढ़ता है। एक आईएएस में जो है लगातार पढ़ने की कंटिन्यूटी होती है। दोस्तों अगर आपकी आदत है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते हो, रोज़ाना पढ़ते हो, तो बधाई हो दोस्तों, आप में आईएएस बनने का दूसरा गुण भी मौजूद है। और अगर आप नहीं पढ़ते हो तो पढ़ने की आदत डालो दोस्तों। दोस्तों चौथे पॉइंट पाते हैं सफल लोगों की जीवनियाँ पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सपना आईएएस बनना तो दोस्तों आप ऐसे लोगों की जीवनियों को पढ़े जिन्होंने कठिन समय में संघर्ष करके यूपीएससी टॉपर बने या फिर आईएएस बने। अब आप सोच रहे होंगे आपको ये चीज़ कहाँ मिलेगी, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर बहुत सारे आईएएस टॉपर की जो जीवनियाँ लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। दोस्तों अब आते हैं पांचवें पॉइंट पर, रीजनिंग के क्वेश्चन हल करना या फिर गणित के सवाल हल करना। क्योंकि दोस्तों आप जो है आईएएस प्री क्लियर कर लोगे, मेन क्लियर कर लोगे, लेकिन दोस्तों इंटरव्यू में जो है दोस्तों आपके दिमाग का परीक्षण किया जाता है, आपकी आपकी सोचने की समझने की क्षमता कितनी ज़्यादा हाई है इस चीज़ पर टेस्ट किया जाता है। और दोस्तों अगर आप हर दिन रीजनिंग के सवाल हल करते हो, गणित के सवाल हल करते हो, तो आपकी आपकी मेमोरी या फिर आपके सोचने समझने की क्षमता, आपके दिमाग की का कैलकुलेशन करने की क्षमता जो दोस्तों हज़ारों गुना नहीं बल्कि लाखों गुना बढ़ सकती है अगर आप हर दिन रीजनिंग के सवाल, मैथ्स के सवाल हल करते हो। दोस्तों अगर ये चार आदतें आप में हो तो आप बधाई हो, आप में जो है आईएएस बनने के चार ऐसे गुण मौजूद है और आप में 80% संभावना बढ़ जाती है आपके आईएएस बनने की। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, वैल्यू वाले पॉइंट पर, जिसको हमने अभी तक दबा रखा था। पहला पॉइंट है दोस्तों सुबह जल्दी उठने की आदत। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर ये आदत है तो दोस्तों आप 100% मान लीजिए आपको आईएएस बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि दोस्तों जो बंदा सुबह जल्दी उठता है ना, उसे औरों से ज़्यादा समय मिलता है अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आप जो है 4 बजे उठते हो और कोई बंदा 7 बजे उठता है, तो उससे आपको 3 घंटे अधिक मिले। अब दोस्तों आप इसी चीज़ को एक महीने में देखो, 90 घंटे दोस्तों आपको अधिक मिले। और अगर आप इस पूरे साल भर का जुड़ोगे दोस्तों, तो आपके पास 45 दिन एक्स्ट्रा हैं सामने वाले बंदे से अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ने के लिए। इसलिए दोस्तों सुबह जल्दी उठें, अपने लक्ष्यों की ओर फोकस रहें। और दोस्तों अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो कमेंट करें कि मैं आपको सुबह जल्दी उठने की बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा। और दोस्तों इन पांचों गुणों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।